हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मजे में हैं? सब बढ़िया है ना? चलो, तो आज हम हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल हम आए, एग्जांपल नंबर 28, वो आज हम देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। लाइक कैपिटल एस इज इक्वल टू 1, 2, 3, डिटरमाइन विदर द फंक्शन एफ फ्रॉम एस टू एस डिफाइंड एस बिलो हैव इनवर्सेस, फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। हमें कुछ फंक्शंस दिए हैं और वो फंक्शंस का इनवर्स पॉसिबल है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? फर्स्ट वन, स्मॉल a, f इज इक्वल्स टू इन अ कर्ली ब्रैकेट 1, 1, 2, 2, 3, 3। चलो, तो आपको पता ही होगा जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो बिलोंग्स टू अवर डोमेन एंड द सेकंड एलिमेंट इज बिलोंग टू अवर, मतलब रेंज हो गया। और रेंज किसके मेंबर होते हैं? तो हमारे को डोमेन में होते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट एस है उसके मेंबर ये फर्स्ट प्लेस पर हैं और जो सेकंड एस है उसके मेंबर सेकंड प्लेस पर हैं। चलो, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका इनवर्स पॉसिबल है ना है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो इनवर्स के लिए जो कंडीशन है वो क्या है? सो इफ अ फंक्शन एफ इज, और आई से एफ इज 1, 1 एंड ऑन टू बोथ, देन वी से दैट अवर फंक्शन एफ इज एग्जिस्ट। अ फंक्शन एफ हैज इनवर्स इफ इट इज 1, 1 एंड ऑन टू। तो हम 1, 1 एंड ऑन टू दोनों चेक करेंगे। तो फॉर 1, 1 हियर एफ इज इक्वल्स टू विच इज v1। चलो, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अरे डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ये हमारा डोमेन, ये हमारा कोडोमेन, 1, 2, 3 और 1, 2, 3, क्योंकि हमारा डोमेन भी ऐसे है और कोडोमेन भी ऐसे है। चलो, डोमेन में 3 मेंबर्स और कोडोमेन में भी 3 मेंबर्स। चलो, ये 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2 एंड 3 इज रिलेटेड टू 3। चलो, तो हमारे पास जो फंक्शन दिया है तो अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन वी ड्रॉ दिस टाइप ऑफ डायग्राम। सो फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन एज अ यूनिक इमेज इन अवर कोडोमेन। सो फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट एफ इज 1, 1, क्योंकि 1 इज रिलेटेड ओनली 1 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन एंड सिमिलरली 2 इज रिलेटेड ओनली 1 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन एंड सिमिलरली 3 इज रिलेटेड टू ओनली 1 एलिमेंट ऑफ अवर कोडोमेन। सो बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन, देयरफॉर एफ इज 1, 1। तो एक कंडीशन तो हमारे यहाँ सेटिस्फाई हो गई, फुलफिल हो गई। अब हम ऑन टू के लिए चेक करेंगे। सो ऑन टू के लिए हमें क्या चेक करना है, जो हमारा कोडोमेन है ना उसका एक भी मेंबर बाकी रहना नहीं चाहिए, सभी मेंबर्स डोमेन के साथ रिलेटेड होने चाहिए। और आई से एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेजेस इन कोडोमेन, मस्ट बी कंपल्सरी होना चाहिए। तो ऐसा है, चलो ये 1 रिलेटेड 1 है 2 के साथ और 3, मतलब जो 3 एलिमेंट्स हमारे कोडोमेन के हैं सभी के सभी मेंबर्स रिलेटेड तो है, कोई ना कोई मेंबर के साथ तो रिलेटेड है। सो नाउ फॉर ऑन टू, फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट एफ इज ऑल्सो ऑन टू बिकॉज फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एस, दैट मीन्स अवर कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एस, दैट मीन्स अवर डोमेन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सो देयरफॉर एफ इज ऑन टू, देयरफॉर एफ इज 1, 1 एंड ऑन टू बोथ, that implies inverse of f must exist and which is f inverse is equals to, आपको पता है स्टूडेंट्स के हम f inverse हम कैसे फाइंड करते हैं। तो f from s to s है तो f inverse from क्या होगा, तो ये जो हमारा कोडोमेन है वो हमारा डोमेन हो जाएगा और ये जो हमारा डोमेन है वो हमारा कोडोमेन हो जाएगा। therefore f inverse from s to s मतलब वो s के members, मतलब जो हमारा y place है वो x हो जाएगा और x place हमारा y हो जाएगा। similarly यहाँ पे ये y प्लेस है वो x हो जाएगा और x प्लेस y हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सो आपका आंसर क्या होगा, f इनवर्स इज इक्वल्स टू 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3, क्योंकि आपको पता ही है x और y दोनों प्लेस सेम है तीनों के तीनों पेयर्स में, बराबर। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट a, f इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3, जिसके लिए 1, 1 और ये ऑन टू भी होगा क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि फॉर ऑल वाई मतलब ये सभी मेंबर्स के लिए, देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स मतलब ये सभी मेंबर्स के लिए ऐसा कोई एक्स तो हमारे पास अवेलेबल है ही कि जिसके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो रहा है। और ये क्या है, हमारी ऑन टू की कंडीशन है। सो वो सेटिस्फाई हो रही है
therefore f is onto 1 1 and onto both, therefore inverse exists and f inverse is equal to क्या होगा तो x और y के जो places है ना वो सिर्फ interchange कर देना है. simple students hint दे देता हूँ और simple समझा देता हूँ कि जो हमारे x और y के place होंगे in a pair x comma y, तो जो x वाला place है वो y पर आ जाएगा, y वाला place x पर आ जाएगा, बस इतना ये होगा. किसमें? जिसमें हमारा inverse exist होगा उसमें. अगर ऐसे examples होंगे जिसमें inverse exist नहीं होगा okay? So उसमें तो ये answer हमें लिखना ही नहीं है. समझ में आएगा students? Okay. Now number 2 which is B. F is equal to 1, 2, 2, 1 and 3, 1. चलो अभी हमने जो प्रीवियस एग्जांपल में जो चेक किया वैसे ही सेम चेक हमें इस फंक्शन के लिए करना है. हियर अ फंक्शन एफ हैज इनवर्स इफ इट इज 1, 1 नॉन टू बोथ. सो लेट्स चेक फॉर 1, 1. फॉर 1, 1 हियर एफ इज इक्वल टू 1, 2, 2, 1 एंड 3, 1 गिवन. ओके फ्रॉम द गिवन फंक्शंस वी ड्रॉ अ एरे डायग्राम व्हिच इज दिस इज डोमेन एंड दिस इज योर कोडोमेन एंड दिस इज द फंक्शन एफ. चलो सबसे पहले हमारे डोमेन के कितने मेंबर है 1, 2 और 3 है. कोडोमेन के मेंबर्स भी 1, 2, 3 ही है क्योंकि हमारा फंक्शन एफ फ्रॉम एच टू एस है इसलिए. चलो तो अब हमें क्या करना है एलिमेंट्स डोमेन के एलिमेंट्स को कोडोमेन के एलिमेंट के साथ कनेक्ट करना है रिलेट करना है. तो 1 इज कनेक्टेड टू 2, 2 इज कनेक्टेड विथ 1 एंड 3 इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ 1. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट the two elements of our domain that means 2 and 3 has a unique or same image in our codomain which is 1. Okay, and this is the condition. Okay, this is not the condition for our 1-1-ness. So यहाँ पे हमारे जो 1-1 की condition है वो यहाँ पे fail हो रही है. और जैसा कि मैंने आपको जब हमारा inverse function start हुआ था तभी मैंने आपको एक सेंटेंस इम्पोर्टेंट सेंटेंस ऐसा समझाया था कि हमारा फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब हमारा फंक्शन 1-1 और 1-2 दोनों हो. ऐसा नहीं कि कोई एक हो सकता है और कोई एक नहीं हो. अगर कोई एक केस भी फेल हो रहा है फिर वो 1-1 हो या चाहे 1-2 हो कोई भी एक फेल हो रहा है बराबर तो इसका मतलब हमारा इनवर्स पॉसिबल नहीं है. ओके स्टूडेंट्स so from the figure it is clear that f is not 1-1 and reason भी मैंने आपको बताया है because elements 2 and 3 मतलब 2 and 3 of domain मतलब domain के दो members कौन से 2 और 3 have same image. दोनों के image क्या है तो same है image 1 हमारे in codomain. so f is not 1-1 therefore inverse of f does not exist. समझ में आ गया students? okay so ये हो गया आपका number 2. चलो के स्टूडेंट समझ में आ गया. चलो वही क्वेश्चन का मतलब जो एग्जांपल नंबर 20 है उसका सी है f इज इक्वल टू 1, 3 3, 2 एंड 2, 1. सो आप देख सकते हैं 1 के साथ 3 3 के साथ 2 और 2 के साथ 1 मतलब आप इसका एरे डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर 1-1 के लिए तो जो भी हमारे डोमेन के मेंबर्स है वो कोडोमेन के 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर रहा है मतलब रिलेट कर रहा है बराबर. सो इसका तो 1-1 आएगा और ऑब्वियसली 1-1 आएगा तो 1-2 भी आएगा ही कंपलसरी. सो हमारा जो फर्स्ट हमने किया है स्मॉल ए फर्स्ट क्वेश्चन बराबर 1-1, 2-2, 3-3 उसमें जो हमने 1-1 के लिए जो हमने लिखा 1-2 के लिए जो लिखा था ना सेम वैसे ही वर्ड्स सी के लिए लिखना है बराबर. सिर्फ आपका एरे डायग्राम थोड़ा डिफरेंट आएगा. ओके सो ये आपका होमवर्क है. समझ में आ गया स्टूडेंट्स ये आपको योरसेल्फ करना है. ओके स्टूडेंट्स होगा ना. चलो एक्सरसाइज 1.3 का फिफ्थ क्वेश्चन है स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स. सेम वैसा ही क्वेश्चन है. चलो फर्स्ट एफ फ्रॉम 1, 2, 3, 4 to 10 विथ एफ इज इक्वल टू 1, 10, 2, 10, 3, 10 एंड 4, 10. अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो जो हमारा पहला जो फंक्शन है उसका डोमेन में 4 मेंबर्स है और कोडोमेन में ओनली 1 मेंबर है बराबर. चलो और उसके साथ फंक्शन जो हमें दिया है क्या है तो 1, 10, 2, 10, 3, 10
मतलब मोर देन वन एलिमेंट्स कनेक्टेड विथ ओनली वन एलिमेंट ऑफ अवर कोड डोमेन, इसका मतलब ये वन वन नहीं है, मतलब इसका इनवर्स भी पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सो हमने जो एक्सरसाइज 28 है उसका जो बी है, बी क्वेश्चन, उसको जो हमने सॉल्व किया वही इसमें सेम राइटिंग आएगा। अब सिर्फ इतना है कि यहाँ पे सिर्फ फंक्शन यही है, एफ फ्रॉम 1 to 3 to 10 विथ एफ इज इक्वल टू गिवन, और वो जो हमने सेम वैसा जो लिखा है वैसा ही यहाँ पे लिखना है सेम। बराबर, सिर्फ स्टार्टिंग में आपको ये क्वेश्चन लिख देना है, वो तो आप तो लिखेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद जो नंबर वन ये लिख दिया, फिर इसके बाद जो हमारे इनवर्स के लिए जो कंडीशन है कि द फंक्शन हैज इनवर्स, ओके द फंक्शन हैज इनवर्स इफ इट इज 1 1 नॉन टू बोथ, उसके बाद फॉर 1 1 जो भी हमने किया है बराबर ना, सेम उसी प्रोसेस में आपको करना है। चलो अभी सेकंड की बात कर ले रहे हैं। अभी हमारा फर्स्ट में फंक्शन है, दूसरे में जी है, फंक्शन का जो सिंबल है वो चेंज किया है जी फ्रॉम 5 6 7 8 to 1 2 3 4। सो अब जो हमारा सेकंड फंक्शन है उसमें हमारा डोमेन और कोडोमेन दोनों चेंज है, मतलब ये आपका डोमेन होगा, ये हमारा कोडोमेन होगा। किसके लिए? तो फंक्शन जी है उसके लिए विथ 5 4 6 4 7 4 and 8 2। तो इसमें भी आप ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स, सो 5 and 7 कनेक्टेड विथ वन एलिमेंट ऑफ अवर कोडोमेन, कनेक्टेड विथ सेम। और आई से एलिमेंट्स 5 and 7, एलिमेंट्स 5 and 7 हैव सेम इमेज 4 इन कोडोमेन, देयरफॉर द फंक्शन जी इज नॉट 1 1। बराबर, जो हमने प्रीवियस इसमें हम जो लिखेंगे वही सेम इसमें लिखेंगे, सिर्फ फंक्शन का जो सिंबल है वो चेंज होगा। और जो आपकी आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसमें, तो आपका डायग्राम आपको सब पता ही होगा कि डोमेन में 4 मेंबर्स, कोडोमेन में सिर्फ एक ही मेंबर, और सभी के सभी मेंबर कनेक्टेड होंगे सिर्फ 10 के साथ, और इसमें भी 5 4 के साथ और 7 4 के साथ, और उसके अलावा जो भी हमारे फंक्शन है उसको आप कनेक्ट कर देना। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये होगा ना आपसे? चलो, ये भी 1 1 नहीं है, ये भी 1 1 नहीं है, इसका मतलब दोनों फंक्शंस के लिए हमारा इनवर्स पॉसिबल नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। चलो उसके बाद एच फ्रॉम 2 3 4 5 to 7 9 11 13 विथ एच इज इक्वल टू 2 7 3 9 4 11 and 5 13, मतलब ये फर्स्ट मेंबर 7 के साथ, सेकंड मेंबर 9 के साथ, थर्ड मेंबर 11, फोर्थ मेंबर 13 के साथ रिलेटेड कर रहा है। मतलब ये क्या है? सो हमारी 1 1 की जो कंडीशन है ये फुलफिल कर रहा है। बराबर, तो ये जो हमारा एच वो फंक्शन है, जो हमारा थर्ड फंक्शन एच, वो 1 1 होगा, 1 1 होगा, इसका मतलब 1 2 भी आएगा ही, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डोमेन के सभी मेंबर्स को डोमेन के 1 and only 1 कनेक्टेड विथ ओनली 1 and only 1 एलिमेंट। एंड सिमिलरली आप ऑन टू की बात करेंगे, सो को डोमेन के भी सभी मेंबर्स रिलेटेड करेंगे डोमेन के किसी ना किसी मेंबर के साथ, सो वहाँ हमारी ऑन टू की भी डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगी। सो जो हमारा थर्ड है वो क्या, हमारा इनवर्स फंक्शन आएगा, देयरफॉर एफ इज 1 1 ऑन टू बोथ, देयरफॉर एफ इज एच इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, देयरफॉर द इनवर्स ऑफ एच मस्ट एग्जिस्ट। सो इसमें भी हम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वही सेम जो हमने राइटिंग लिखा था वही इसमें भी लिखेंगे। सो ये भी आपका क्या होगा, होमवर्क। और सिमिलरली मिसेलेनियस एक्सरसाइज 1 का 11th समय, लेट एस इज इक्वल टू एबीसी एंड टी इज इक्वल टू 1 2 3, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एफ फ्रॉम एस टू टी इफ। अभी जो दो फंक्शन हमें दिए 1 और 2, उसका डोमेन एस है मतलब एबीसी और कोडोमेन टी है मतलब 1 2 3। तो पहले की बात करते हैं, ए कॉमा 3 मतलब ए 3 के साथ रिलेटेड है, बी 2 के साथ और सी 1 के साथ, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज 1 and only 1 इमेज इन कोडोमेन, और आई से यूनिक इमेज इन अवर कोडोमेन, मतलब ये हमारा 1 1 होगा, 1 1 होगा, तो सिमिलरली ऑन टू भी होगा, क्योंकि कोडोमेन के सभी मेंबर्स डोमेन के कोई ना कोई मेंबर्स के साथ रिलेटेड करेंगे, एक भी मेंबर बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 भी रिलेटेड हो गया है, 2 भी रिलेटेड है और 3 भी एक के साथ रिलेटेड है, मतलब ये पहला फंक्शन जो हमारा 1 1 ऑन टू दोनों फंक्शन सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स का आंसर क्या आएगा, तो 3 a 2 b and 1 c। और इसकी बात अभी मैंने आपको बताना भूल गया हूँ, ये भी इनवर्स हमारा पॉसिबल होगा, तो इसका इनवर्स का आंसर क्या आएगा, 3 1 आएगा, 2 3 आएगा और 1 2 आएगा। ये दोनों तो हमारा 1 1 और 1 1 फंक्शन नहीं है, मतलब इनवर्स हमारा पॉसिबल नहीं है, पर ये थर्ड का है, मतलब इसका एच इनवर्स क्या आएगा आंसर, 7 2 9 3 11 4 13 5।
इसका तो आंसर मैंने बोल दिया, अभी इसका चेक करते हैं। ए कॉमा टू, बी कॉमा वन, सी कॉमा वन, देखा बी और सी एक मेंबर के साथ रिलेटेड कर रहा है कोडोमेन का, मतलब ये दोनों के इमेजेस सेम है, मतलब इसका तो ये वन वन नहीं है, अगर वन वन नहीं है तो इसका इन्वर्स भी पॉसिबल नहीं है। सो ये भी आपका क्या होगा, तो होमवर्क। सो आपको ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 फंक्शंस आपको कंप्लीट कर लेने हैं। हाँ एक बात, अगर आपको यहाँ पे G और H आ गया तो कंफ्यूज हो रहा है, तो आप यहाँ पे F लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अगर आपको H और G में कंफ्यूज हो रहा है तो आप F ही लिखे, बराबर, जो हमारा सिंबल F है वही एज इट इज रखिए, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। सो इतना आपका होमवर्क है, ये आपको कंप्लीट कर देना है। अभी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तो अभी हमारे जो इनवर्स के 5-6 सम्स बाकी है, 5-6 या 7 सम्स बाकी है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। पर ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारे जो भी इनवर्स, डिपेंडिंग ऑन इनवर्स, ऑल द एग्जाम्पल्स विल कंप्लीट, ओके स्टूडेंट्स, विल कंप्लीट। चलो तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक थैंक यू।